सतना डिग्री कॉलेज में NUSI छात्रों के द्वारा कुछ मांगों को लेकर कॉलेज में घेराव किया। वहीं पुलिस दल मौके पर पहुंची तो पुलिस दल के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा धक्का मुक्की की गई। कार्यकर्ता कुछ मांगों को लेकर कॉलेज में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं पुलिस वाले मौके पर आकर कुछ छात्रों को गिरफ्तार कर थाना ले गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कॉलेज में उपस्थित होने के बावजूद भी अनुपस्थित कर दिया गया और कॉलेज की 4 एकड़ की जमीन पर भाजपा नेताओं द्वारा गार्डन बनाया गया, जो कि वो जमीन कॉलेज के नाम पर है। कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि भाजपा नेता के दबाव पर कॉलेज प्रचार द्वारा वहां पर 4 एकड़ जमीन पर गार्डन बना लिया गया और परीक्षा में कुछ छात्रों को उपस्थित होने के बावजूद उन्हें अनुपस्थित कर दिया गया और कुछ छात्रों को 2 नंबर से फेल भी किया गया है। आज वो स्थिति को इन्होंने परिवर्तन के तौर पर फिर से हमारे सामने रख दिया। तो महोदय, उस बात को हम लाठियों से डर गए थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, लाठियों से डर गए थे। अब महोदय, न लाठियों से डरेंगे, न जेल से डरेंगे, आपके किसी प्रकार की हरकतों से आदरणीय प्रचार साहब हम नहीं डरेंगे। आप हमें डराने का काम न करिए। हम NSUI जैसे परिवार से है, NSUI जैसे संगठन से है, आज हम आपसे प्रमाण लेकर ही यहाँ से जाएंगे। महोदय, बार बार कह रहा हूँ, हम आपसे कृपांक लेकर ही जाएंगे, आप कृपांक देंगे और साथ में तत्कालीन प्रभाव से जो आपके पास महाविद्यालय की NOC रखी है ना, इस पार्क की, उस NOC को लेकर आइए। माननीय CSP साहब को दिखाइए कि छात्रों के लिए आपने समझौता किया था इस पार्क की जमीन को देने के लिए। आपको याद होगा वो दिन, आपको याद होगा बड़े बड़े भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को चक्कर में फंस कर आपने महाविद्यालय की 4 एकड़ जमीन को बड़ी आसानी से ले लिया। आपके करेले को मैं सलाम करता हूँ महोदय, आपके जगने को मैं सलाम करता हूँ। आपने 4 एकड़ की आराजी को आसानी से महाविद्यालय परिसर में दे दिया, जो स्मार्ट सिटी कंपनी के पास है। महोदय, तत्कालीन प्रभाव से दोनों चीजें, एक तो भाई बहनों का भविष्य और साथ में दूसरी बात महाविद्यालय का पार, यदि आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। मेरे CSP साहब को आदेश करिए कि लाठी आपको चलाए, जेल ले जाए, फिर हम आपके पास कराएंगे। तो महोदय, मेरा निवेदन है, हम ज्यादा बात आपसे नहीं कर सकते हैं। यदि आप इन विषयों में निर्णय ले सकते हैं तो 10-15 मिनट आप समीक्षा कर लीजिए अपनी जो महाविद्यालय की कोर कमेटी है, उस कमेटी के साथ, प्रशासन के साथ बैठ के समीक्षा कर लीजिए। और यदि निर्णय ले पा रहे हो तो ठीक बात है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो ठीक बात है। महोदय, यदि आप निर्णय ले पा रहे हो तो ठीक बात है, यदि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो ठीक बात है। हम सब NSUI के कार्यकर्ता आप तक पहुंचने का प्रयास जरूर करेंगे, रोड में लेटेंगे, लाठी खाएंगे, बार बार कह रहा हूं। आप उस दिन सर, ये हमको उस दिन हम ज्ञापन लेकर गए इनके पास, तो ये हमें कह रहे हैं कि हम पुलिस बुलवा के जेल में डलवाएं। महोदय, ये पुलिस को इतना आसानी से ले रहे हैं, मतलब छात्र भी अपनी समस्या के लिए इनसे बात करें तो ये जेल में डालवा देंगे। महोदय, इनसे यदि NSUI परिवार का लड़का बात करने जाता है तो ये जेल में डलाने की बात करते हैं। तो ठीक है महोदय, आज ले चलिए जेल। मैं देखता हूँ कि जेल में भी कितनी क्षमता है, कितने लोगों को जेल डला सकते हैं आप। जब आप जेल की बेड़ियों को खुलवा दीजिए, हम लोग आपके पास आएंगे। महोदय, अब मैं फिर से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठ रहा हूँ, 15-20 मिनट में मैं आपसे बात करूंगा। Jindabad, 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 Jindabad,
हम अपना अधिकार मांगते एक जिंदगी बनते जिंदाबाद उनका ग्रेस मार्च वगैरह को लेकर के तालाबंदी करने जा रहे थे। उन लोगों से जो एनएसआई के नेता थे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है, गिरफ्तार किया गया है। क्या क्या मांगे होंगे? उनकी मांगे थी कि हमें ग्रेस मार्च दिया जाए। जो आपकी अनुचित मांगे हैं उसका ज्ञापन दे दीजिए। तो ज्ञापन नहीं दे रहे थे तो उसने गेट में तालाबंदी कर रहे थे। पुलिस जिस तरह से डग्गा में ले जाई थी, कैसा गिरफ्तारी के लिए उन्होंने? नहीं, उन्होंने ही गिरफ्तारी के लिए बोला है। गिरफ्तारी के लिए क्या है?